नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीप जॉब अलर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लासेस में। आज हम ये फोर्थ क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पहले आज हम फिफ्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्लास करवाई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो चैप्टर 3 रहते थे वो आज इस वीडियो में तीनों चैप्टर हम कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितना भी मैटर था, जितने चैप्टर थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो का हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रहेगी आपकी। चैप्टर फर्स्ट है अर्धचालक डायोड, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड। चालक क्या होता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप और विंडन एनर्जी गैप शून्य नहीं होता। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में जो एनर्जी गैप है या फोरविंडन गैप है, वो शून्य नहीं होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसे PTC यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्फिशेंट कहते हैं। ताप बढ़ने से मोबिलिटी घटता है, यानी कि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और इसे PTC कहते हैं। और ताप बढ़ने से मोबिलिटी घटेगी, यानी कि ताप बढ़ेगा तो टेम्परेचर प्रतिरोध बढ़ेगा और मोबिलिटी घटेगी आपकी। टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ओवरलैप करने लगता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करने लगता है आपका। इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। कुचालक या अचालक यानी कि इंसुलेटर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, इसको आवेशों का प्रवाह नहीं होता, यानी कि जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है उसे कुचालक यानी अचालक कहते हैं। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा चालकता बहुत शून्य होती है। एनर्जी गैप होता है, जो होता है लेस देन 5 इलेक्ट्रोन वोल्ट से कम होता है। इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत कम एनर्जी गैप घटता है। इसमें आयोनिक बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? आयोनिक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर के इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लगभग इसके बराबर होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के। इसका प्रतिरोध चालक से अधिक तथा कुल चालक से कम होता है, और चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है, यानी कि दोनों के बीच का होता है ये अर्धचालक आपका। अर्धचालक का प्रतिरोध NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, और टेम्परेचर घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है आपका। इसका सेओंजी इलेक्ट्रॉन फोर होता है। अर्धचालक सेओंजी बैंड को तोड़ने के लिए बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें कोवैलेंट बैंड होता है आपका। कौन सा कोवैलेंट बैंड? अर्धचालक के प्रकार कौन से होते हैं? एक शुद्ध अर्धचालक होता है आंतरिक सेमीकंडक्टर, एक अशुद्ध चालक एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर। इनस्ट्रिनिक सेमीकंडक्टर का था, इसमें प्योर सेमीकंडक्टर, इसे प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर इस सभी इलेक्ट्रॉन अपने पास के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए 0 डिग्री टेम्परेचर पर कोवैलेंस बैंड के साथ बनाता है। 0K पर फॉरविडन नहीं होता और इसलिए कंडक्शन नहीं करता। इस पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। 0K पर कंडक्शन बैंड नहीं, बैंड खाली रहता है और सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है। 0 केल्विन पे क्या होगा? कंडक्शन बैंड खाली रहता है और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में पदार्थ की नेट चार्ज डेंसिटी शून्य होती है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन तक बढ़ाया जाता है तो कोवैलेंट बैंड टूटता है और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से 1 होल बनता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और होल वैलेंस बैंड में बच जाता है। होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर तथा कंपोजिट चार्ज होता है। होल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें नो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नो नंबर ऑफ होल होते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ती, इलेक्ट्रॉन बंधन से टूटता है तथा रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे होल कहते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति केवल उसमें प्रभाव के कारण होती है। इंस्ट्रिनिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स की संख्या ताप बढ़ने से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक्सट्रिनिक सेमीकंडक्टर कहता है, इसे
इम्यूनिटी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर तथा कंपेस्ट सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर अशुद्ध अर्धचालक बनाया जाता है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर क्या बनाया जाता है? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में हो जाता है। जैसे अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाकर अर्धचालक के वैद्युत गुणों को बदला जा सकता है। शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बढ़ाने के लिए 1:10 में अशुद्धि का और अर्धचालक मिला जाता है। चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट, प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट इजकल टू एन टाइप। और जो प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट होगा वो क्या बनेगा आपका? पी टाइप। और प्योर सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट मिल जाएगा तो एन टाइप। पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा और ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा आपका। ट्राइवेलेंट इम्यूनिटी एक्सेप्टर और मेकअप मेकिंग अप टाइप होता है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। ट्रीवेलेंट इम्यूनिटी एक्सेप्टर फॉर मेकिंग अप टाइप में क्या? बोरोन, एल्युमिनियम, कैडमियम, गैलियम और इंडियम होती है आपकी। पेंटावेलेंट इम्यूनिटी में क्या होता है? डोनर होता है। फॉर मेकिंग अप टाइप किसे बनाता है? फॉस्फोरस से, एंडोमोनी से, एर्सेनिक से और बिस्मुथ से। अशुद्ध अर्धचालक प्रकार के क्या होते हैं? एक एन टाइप अर्धचालक होता है, एक पी टाइप अर्धचालक होता है। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? जब शुद्ध अर्धचालक में पंचयोगी यानी कि एन पी एस एस बी बी आई इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को डोपिंग करते हैं तो एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। इसे डोनर आइटम भी कहते हैं। एन टाइप को क्या कहते हैं? डोनर आइटम भी कहते हैं। इस पर धन आवेश होता है क्योंकि ये न अपना इलेक्ट्रोवोल्ट मुक्त करता है। इसे अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, और अल्पसंख्यक वाहक होल होता है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के नीचे रहता है जिसका एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। और जर्मेनियम, फॉर जर्मेनियम का, जो जर्मेनियम का क्या होता है? फॉर एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। और 0.05 इलेक्ट्रो होता है फिर सिलिकॉन का। ऐसा ही फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन में रह में पहले कंडक्शन बैंड में चला जाता है। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या विवर में बहुत अधिक होती है। प्रत्येक अशुद्धि परमाणु से एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस अशुद्धि को दाता को अशुद्धि कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक कहता है जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टेनियम ये इस प्रकार के डोपिंग करते हैं तो पी टाइप का अर्धचालक निर्माण होता है। इसमें विवर बहुसंख्यक वाहक होते हैं मेजोरिटी कैरियर तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक मिनोरिटी कैरियर होता है। पी टाइप में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है यानी कि पी टाइप की जो होल की संख्या होगी वो इलेक्ट्रॉन से क्या होगी? ज़्यादा होगी। त्रिसंयोजी तत्व एक्सेप्टर परमाणु कहलाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक्सेप्टर परमाणु पर ऋण आवेश होता है क्योंकि इस यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर रहता है और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर सारा होल्स रहता है। होल्स पड़ोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के आकर्षित करता है जिसमें इलेक्ट्रोवोल्ट आकर इस होल पर भर देता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वह होल बन जाता है। इस पर प्रकार इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर होल एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन का प्रभाव करता है। विवर का प्रभाव इलेक्ट्रॉन की प्रभाव की विपरीत दिशा में होता है। फर्मी लेवल क्या होता है? यह उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की संरचना 50% होती है। इंस्ट्रिनिक सेमीकंडक्टर में फर्मी सतह ऊर्जा गैप के मध्य संयोजी की ओर चालन बैंड के में होती है। एन टाइप अर्धचालकों में चालक बैंड के निकट होती है और पी टाइप अर्धचालकों में संयोजी बैंड के निकट होते हैं। जो एन टाइप अर्धचालकों में चालन बैंड के निकट और संयोजी बैंड के निकट, पी टाइप में तो संयोजी बैंड के निकट होगी और एन टाइप में चालन बैंड के निकट होगी आपकी। ड्रिफ्ट धारा क्या होती है? जिसमें आवेशों का प्रभाव आरोपित वोल्टेज के कारण होता है। जिसमें आवेशों का प्रभाव आरोपित वोल्टेज के कारण होता है अनुगम धारा कहलाती है यानी कि ड्रिफ्ट धारा कहलाती है। विद्युतीय क्षेत्र के अभाव के कारण बहने वाली धारा को ड्रिफ्ट धारा तथा इसमें वेग को ड्रिफ्ट वेग कहते हैं।
अनुगम कहते हैं, डिप्ट करंट कहते हैं पहले को निचर को, और कहते हैं डिप्ट वेग कहते हैं। विसरण धारा क्या होती है, यानी कि डिफ्यूजन करंट, वह धारा जो सभी जगह आवेश वाहकों को चार्ज कैरियर की सांद्रता के समान न होने के कारण होती है, विसरण धारा कहलाती है। एक्सटेनिक सेमीकंडक्टर आपका प्रभाव क्या कहता है, यदि दाता का स्वीकारक अशुद्धि की बहुत कम मात्रा भी अर्धचालक में मिला जाए तो उसमें बड़ी मात्रा में मुक्त आवेश वाहक कैरियर पैदा हो जाते हैं। सामान्य ताप पर अशुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक की चालकता में कई गुण होती हैं। 1:10:8 होती है 6:12 टाइम, और 1:10:7 होती है 6:120 टाइम। यदि बढ़ाया जाए तो उसमें कंपनों से यह सियोंजी बन टूटने से मिनियोटी कैरियर की संख्या बढ़ती है तथा ऐसी स्थिति आ जाती है जब मिनियोटी कैरियर की संख्या मेजोरिटी कैरियर की समान हो जाती है, तब एक्सट्रेनिक सेमीकंडक्टर इंस्ट्रेनिक सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है और उसकी चालकता कम हो जाती है। ताप बढ़ने से सिर्फ मिनियोटी कैरियर बढ़ता और मेजोरिटी कैरियर कॉन्स्टेंट रहे, जैसे ताप बढ़ेगा तो मिनियोटी कैरियर बढ़ेगी और केवल मेजोरिटी कैरियर क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। जब कम ताप रहता है तो अशुद्ध अर्धचालक में ताप बढ़ाने की चालकता बढ़ता है, 300 डिग्री केल्विन से अधिक ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। अत्यधिक ताप कैरियर से अधिक ताप बढ़ाने पर अशुद्ध अर्धचालक शुद्ध चालक की तरह व्यवहार करता है। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन सिंधी, यदि पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ जिसे एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो पीएन जंक्शन कहलाता है। सामान्य रूप से एक पी टाइप और एन टाइप पदार्थ पास लाकर जोड़ने से पीएन जंक्शन डायोड नहीं बन पाता क्योंकि इसमें एकल क्रिस्टल संरचना नहीं प्राप्त होता। संधि बनने पर पी भाग में होल तथा एन भाग में इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। संधि के दोनों ओर आवेश घनत्व चार्ज कंसंट्रेशन समान होने के कारण संधि पर विसरण की क्रिया होती है। पी का होल एन पदार्थ में तथा एन का स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पी पदार्थ की विसरित हो जाते हैं। संधि के पास विपरीत आवेश का समान मात्रा में आ जाते हैं और उदासीन हो जाता है। ये होल थे आपके ट्रेवलेंट थे जैसे कि इसमें चले जा रहे थे। पीएन जंक्शन की अवस्था क्या होती है, पीएन जंक्शन की बैटरी में संयोजित करने का दो मेथड होता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में पीएन सिंधी पीएन जंक्शन का सिंधी का पी सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से, ठीक है ये धनात्मक सिरे से हो गया आपका, और एन सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है। इस अवस्था में डायोड धारा का प्रभाव P से N की ओर हो जाता है। इस में क्या होगा, फिर आपका धारा का प्रभाव क्या होगा, P से N की तरफ, यहाँ से चलिए आपकी धारा P से N की तरफ हो जाएगा, ये नेगेटिव N टाइप हो गया, पॉजिटिव का आपका ये हो गया। बैटरी में धन सिरा के P होल को जंक्शन के पार भेजता है जिसे N का ऋण सिरा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार बैटरी के ऋण सिरे में एन के इलेक्ट्रॉन को जंक्शन पर पार ढकेलता है जिसे पी का पॉजिटिव सिरा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब डायोड का अगर अभिनव अवस्था में होता है तो डायोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है तो डिप्लेशन एजेंट की चौड़ाई घट जाती है, वृद्धि करते डिप्लेशन देने की कम हो जाती है। डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाता है और फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अगर बायोस में आरोपित वोल्टेज बैरियर का विरोध करती है तथा बैरियर के विपरीत होती है जिसके कारण बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है। फॉरवर्ड बायोस में केवल मेजोरिटी कैरियर के कारण फॉरवर्ड करंट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉरवर्ड करंट क्या होता है, फॉरवर्ड करंट वाहक कैरियर पर निर्भर करता है लेकिन मेजोरिटी कैरियर टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, इसलिए फॉरवर्ड करंट टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। मेजोरिटी मिनियोरिटी कैरियर करंट को लीकेज करंट या ऊष्मीय धारा कहते हैं। जब मिनियोरिटी कैरियर करंट को लीकेज करंट या ऊष्मीय धारा कहते हैं, लीकेज करंट को मिनियोरिटी कैरियर करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट तथा थर्मली जनरेटेड करंट भी कहते हैं। जर्मेनियम का लीकेज करंट क्या होता है, माइक्रो
एम्पियर होता है आपका, और सिलिकॉन का लीकेज करंट होता है Na में होता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड वोल्टेज Vd घटता है बाई 2.5 से वोल्ट बाई 2 मीटर Vnew होता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ता है बाई 7%। रिवर्स बायस और ब्लॉक बायस क्या होता है आपका? रिवर्स बायस की स्थिति में P बैटरी के नेगेटिव और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, जिसके कारण P होल और N इलेक्ट्रॉन बैटरी के ध्रुव द्वारा आकर्षित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को नहीं पार कर पाते, जिसके कारण रिवर्स बायस की धारा प्रभाव नहीं होता। रिवर्स बायस में डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। मेजोरिटी कैरियर के रिवर्स बायस स्थिति से कुछ रिवर्स करंट प्रभावित होता है। जब पी एन जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाता और बैरियर वोल्टेज भी बढ़ जाता है। जंक्शन वोल्टेज में क्या आता है? विड्थ प्रोपोर्शनली क्या होता है? रिवर्स बायस वोल्टेज। ये कर्व होती है आपकी डायोड का, जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, डिप्लेशन रेट से आपकी बढ़ती है। नई वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज कट इन वोल्टेज। इसी डायोड में धारा का प्रभाव फॉरवर्ड बायस स्थिति में होता है, तो पहले वोल्टेज बढ़ने पर करंट धीरे धीरे बढ़ता है और कुछ समय पश्चात जब सप्लाई वोल्टेज का मान बैरियर पोटेंशियल से अधिक हो जाता है तो करंट का मान तेजी से बढ़ने लगता है। फॉरवर्ड बायस का वह वोल्टेज जिस पर डायोड में करंट का अचानक तेजी से बढ़ने लगता है तो वह नई वोल्टेज कहलाता है। डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। डायोड का एक नॉन लीनियर डिवाइस है क्योंकि प्राप्त ग्राफ वक्र रेखा, जो प्राप्त ग्राफ में जो रेखा थी आपकी वक्र रेखा, जो ग्राफ आपको नहीं देखा था ये वक्र रेखा, इसलिए इसको नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपका डायोड क्या है, एक लीनियर डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइस। बैरियर वोल्टेज होता है जो जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, बैरियर वोल्टेज सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 वोल्ट। नई वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम 0.12 से 0.55 वोल्ट होता है, टाइप ऑफ वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन की होती है 0.5 से 0.9 और टाइप टिपिकल वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से नई वोल्टेज करंट कट इन वोल्टेज का मान घटता है। 1% बढ़ने से नई वोल्टेज डिक्रीज बाई 2.5 वोल्ट होती है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है? जब डायोड रिवर्स बायस स्थिति में बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान नहीं बढ़ता, क्योंकि करंट मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण और डायोड की नियत तापमान पर मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की संख्या निश्चित रहती है। इस स्थिति में प्राप्त करंट सैचुरेशन करंट कहलाता है। लेकिन जब नेगेटिव वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगता है। रिवर्स बायस का वह वोल्टेज जिस पर रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने लगे ब्रेक डाउन वोल्टेज या जीरो वोल्टेज या एवलेंच वोल्टेज कहलाता है। रिवर्स करंट तेजी से बढ़ने का कारण है कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, क्योंकि कोवेलेंट बैंड के टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। डिप्लेशन रीजन क्या आते हैं? जब पी एन जंक्शन का निर्माण होता है तब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर विषण करते हैं और जंक्शन के निकट मिलते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को रिकम्बिनेशन कहते हैं। रिकम्बिनेशन प्रक्रिया के कारण जंक्शन के निकट एक्सेप्टर परमाणु और डोनर परमाणु आवेश विहीन होने के कारण स्थिर हो जाते हैं। जंक्शन के निकट एक डिप्लेशन रीजन का निर्माण हो जाता है। इस डिप्लेशन रीजन के कारण P के होल्स तथा N के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर पार नहीं जा सकते, क्योंकि डोनर डोनर और एक्सेप्टर एक्सेप्टर परमाणु का विकर्षण प्रभाव होता है। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? पी एन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन में एक्सेप्टर और डोनर परमाणुओं के कारण विभव बनता है, उसे बैरियर पोटेंशियल या रोधक विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? पी एन टाइप के डिप्लेशन रीजन में एक्सेप्टर और डोनर परमाणुओं के कारण विभव बनता है तो उसे क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। यह रोधक विभव मेजोरिटी कैरियर को जंक्शन के पार जाने में रोकता है और यदि जंक्शन के
आर पार मेजोरिटी कैरियर के प्रभावित करना हो तो बार से बैरियर पोटेंशियल से अधिक वोल्टेज देना होगा। जर्मेनियम जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकन जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। शिखर उत्क्रम वोल्टेज वीके लिकन करंट क्या होता है? पीआई डायोड के रिवर्स बायोस में यह अधिकतम वोल्टेज होती है जो बिना सिंधी के ब्रेक डाउन के सिंधी पर आरोपित की जाती है। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिवर्तन में किया जाता है। जिंदर डायोड या रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर करने का कार्य करता है। फॉरवर्ड बायस में यह नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करता है। यह स्रोत वोल्टेज में परिवर्तन होने पर लोड वोल्टेज नियत रखता है। यह पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे ब्रेक डाउन रीजन काम करने के स्पेशली डिजाइन किया जाता है। जिंदर डायोड का कट वोल्टेज 0.6 वोल्ट और 0.7 वोल्ट होता है। जिंदर डायोड का जो कट वोल्टेज कितना होता है आपका 0.6 वोल्टेज और 0.7 वोल्टेज। यह सिलिकॉन का बना होता है आपका जो जिंदर डायोड है किसका बना होता है सिलिकॉन का और इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में किया जाता है। जिंदर डायोड का एक तो वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है और जो वोल्टेज होता है जिंदर डायोड का कट इन वोल्टेज 0.6 से 0.7 होती है। इसकी मेन पॉइंट यह सिलिकॉन का बना होता है। जिंदर डायोड की जो वीआई करेक्टरिस्टिक है आपकी ये होती है, ये वोल्टेज होगा या आपका करंट हो गया। जब रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन वोल्टेज में कम वोल्टेज रहता है तो करंट बहुत कम रहता है और जिंदर डायोड का करंट 0 के बराबर होता है। जब रिवर्स बायस में वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो अचानक जिंदर डायोड का करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज करने पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट डिवाइस में फ्लो करने लगता है लेकिन जिंदर डायोड के द्वारा कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होता है। जिंदर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज को पी क्षेत्र तथा एच क्षेत्र की डोपिंग में परिवर्तन करके 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक परिवर्तित किया जा सकता है। जिंदर डायोड में पी और एन दोनों क्षेत्र हैवली डोप्ड होते हैं। जिंदर डायोड की कार्य प्रणाली प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सहसंयोजी बल टूटने के कारण होता है। इसे स्काई डायोड भी कहते हैं। ट्यूनल डायोड में पी एन जंक्शन को एवली डोप्ड किया जाता है और डोपिंग कंसंट्रेशन सांद्रता 1.103 होती है आपकी। इसमें गैलियम आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत फास्ट स्विचिंग करता है। स्विचिंग टाइमिंग होता है 10^-12 सेकंड को सेकंड होती है। इसमें नैरो डिप्लेशन लेयर होती है। यह नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। यह जर्मेनियम गैलियम और आर्सेनिक तथा जीई का बना होता है जिसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं होता। इसमें कट इन वोल्टेज 0 के बराबर होती है आपकी। दिष्टकार यानी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। एसी वोल्टेज करंट को डीसी वोल्टेज करंट में बदलने की युक्ति की दिष्टकारी कहलाते हैं। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दिष्टकारी। टाइप ऑफ रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव क्या होता है? इसमें एसी इनपुट के केवल एक अर्धचालक हाफ साइकिल में एक द्वितीय यूनिडायरेक्शनल डीसी आउटपुट प्राप्त होती है। कौन सी होती है? डीसी आउटपुट। इसमें एक डायोड ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है और लोड रेजिस्टेंस आरएल के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। डायोड का एनोड ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में एक सिरा S1 से जुड़ा रहता है। डायोड का कैथोड लोड सिरा BL के साथ RL से दूसरा सिरा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से S2 से जुड़ा रहता है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कुंडली 230 वोल्ट AC सप्लाई से जुड़ा रहता है। वर्किंग क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली में AC सप्लाई दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्राप्त होने वाली AC वोल्टेज V1 = Vm sin ωt होती है। Vm वोल्टेज का शिखर मान होता है। ओमेगा क्या होता है? 2πf यानी कोणीय आवृत्ति। एफ क्या होती है? ओमेगा अपॉन में 2π यानी हर्ट्ज में आवर्ती होती है। एसी सप्लाई करने पर सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज का पोलैरिटी प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद बदलता है रहता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं।
इस स्थिति में ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का ऊपरी सिरा S1 निचला सिरा के सापेक्ष धनात्मक रहता है तथा डायोड अगर बायोस में हो जाता है, इसके जिसके कारण इस धारा का प्रभाव होता है और लोड और पर आउटपुट मिलता है। नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होती है आपकी? इस स्थिति में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का S1 सिरा और S2 सिरे के सापेक्ष ऋणात्मक रहता है और डायोड रिवर्स बायोस हो जाता है तथा खुला परिपथ की भांति व्यवहार करता है और इसलिए परिपथ में धारा का प्रभाव नहीं होता, आउटपुट शून्य रहता है। फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल टेप फुल रेक्टिफायर, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें AC इनपुट वेव के दोनों अर्धचालकों के लिए एक का DC या DC आउटपुट प्राप्त होता है। AC धनात्मक अर्धचालक के ट्रांसफार्मर का S1 सिरा और O के सापेक्ष धनात्मक होता है, जिसे डायोड D1 अगर बायस होता है और डायोड का D1 धारा प्रभाव सरलता से होने लगता है और आउटपुट लोड RL से मिलने लगता है। ट्रांसफार्मर का S1 सिरा O के सापेक्ष ऋणात्मक होने के कारण D2 रिवर्स बायस हो जाता है, अंत इससे धारा प्रभावित नहीं होती और डायोड खुला परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार पॉजिटिव हाफ साइकिल में धारा का प्रभाव बंद परिपथ से S1, D1 और AO में से, क्योंकि इस परिपथ में डायोड D1 अगर बायोस रहता है। S2 में क्या होता है? ऋणात्मक अर्ध चक्र में AC के ऋणात्मक अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर का S1 सिरा और O के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड का D1 रिवर्स बायोस हो जाता है, उसमें धारा प्रभाव संभव नहीं होता, यह खुला परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ट्रांसफार्मर का S2 सिरा O के सापेक्ष धनात्मक होता है, जिससे डायोड D2 अगर बायस हो जाता है, इसमें धारा का प्रभाव सरलता से होता है और इनपुट लोड RL पर मिलता है। इस प्रकार नेगेटिव हाफ साइकिल मगर धारा प्रभाव बंद परिपथ में S2, D2 और A में होता है, क्योंकि इस परिपथ में डायोड D2 अगर बायस है। परिपथ तरंग दृष्टकारी में AC इनपुट के दोनों अर्धचालकों के लिए लोड प्रतिरोध की धारा प्रभाव का समान दिशा में होता है, अंत लोड प्रतिरोध में एक अदिशीय धारा प्रभावित होती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में रहता है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा? D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में रहेगा। रेक्टिफायर के गुण क्या होते हैं? सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती ब्रिज रेक्टिफायर में। इसका PVY जो करेक्टरिस्टिक होती है आपका मान दो डायोड वाले पूर्ण तरंग दृष्टकारी की तुलना में आधा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के दोष क्या होते हैं? यह चार डायोड की आवश्यकता होती है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता, ठीक है। दोष तो यही रहेंगे, एक तो चार डायोड यूज होते हैं इसमें और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता इसका। कंप्रेशन रेक्टिफायर सर्किट जो होते पैरामीटर दे रखे हैं, एक HWR फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। जो आप इनके तीनों के बीच में कंबिनेशन देख सकते हो, डायोड की संख्या कितनी होगी, कौन से कितने यूज हो रहे, PI करेक्टरिस्टिक क्या होगी, RMS धारा क्या होगी, इनके तीनों के बीच में DC वोल्टेज क्या रहती है, शिखर लोड धारा क्या रहेगी आपकी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका लॉजिक गेट, जो सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। लॉजिक गेट बुलियन बीजगणित पर आधारित है। बुलियन बीजगणित एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है तथा यह सामान्य बीजगणित तथा बाइनरी संख्या से भिन्न है। बुलियन प्रणाली में चार राशियों को केवल दो अवस्थाएं होती है, इनमें 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। 0 और 1, 0 का क्या मतलब होता है? नो होता है, लो होता है, ओपन, इनएक्टिव, एब्सेंट, डाउन, फॉल्स, ऑफ, नेगेटिव। और 1 में क्या आएगा? यस, हाई, क्लोज, एक्टिव, प्रेजेंट, अप, ट्रू, ऑन, पॉजिटिव, ठीक है। लॉजिक गेट में दो ही प्रणाली चलेंगे आपके, 0 और 1, ठीक है। 0 हम क्या कहेंगे? नो होगा, लो होगा, ओपन होगा, इनएक्टिव होगा, एब्सेंट होगा, डाउन होगा, फॉल्स होगा, ऑफ होगा, नेगेटिव होगा। 1 में क्या रहेगा? यस होगा, हाई होगा, क्लोज होगा, एक्टिव होगा, प्रेजेंट होगा, अप होगा, ट्रू होगा, ऑन होगा, पॉजिटिव होगा,
बुलियन बीजगणित में सत्य तथा प्रेजेंट के लिए एक व्यवहार किया जाता है। बुलियन में बीजगणित में असत्य के लिए नहीं और एब्सेंट के लिए जीरो का प्रयोग किया जाता है। लॉजिक गेट एक या एक से अधिक इनपुट आउटपुट तथा आउटपुट हमेशा एक ही होता है। लॉजिक गेट में एक या एक से तो अधिक तो इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट कितना होगा, एक ही होगा। लॉजिक गेट में जो आप इनपुट दोगे तो कई हो सकते हैं लेकिन जो आउटपुट आपको मिलेगा वो केवल एक ही आउटपुट मिलेगा। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट को आधारित गेट कहते हैं। नॉट गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, ठीक, इनको क्या कहते हैं, आधारित गेट। नॉर गेट, और गेट, नॉट गेट का संयोग रहता है। नॉर गेट किसका संयोग है, नॉर और गेट और नॉट गेट का। नॉर गेट और गेट प्लस नॉट गेट के मिलने से नॉर गेट आपका बनता है। और नैंड गेट किसके मिलने से बनता है, एंड प्लस नॉट गेट के मिलने से आपका नैंड गेट बनता है। नैंड तथा नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से सभी गेट बनाया जा सकता है, ठीक है। कौन से गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, नॉर और नैंड गेट को, ठीक है। जो नॉर मिलता है और नॉट गेट से मिलता है, और नैंड किससे मिलता है, एंड और नॉट गेट को, इसलिए हम नॉर और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से कोई भी गेट हम बना सकते हैं। नॉट गेट का जो सिंबल होता है ये इनवर्स में काम करता है, जैसे कि वन इनपुट दी है तो आपको जीरो मिलेगी, जीरो दिया है तो आपको वन मिलेगा, ठीक है। जीरो दे दी तो वन आ गया, वन दे दिया तो जीरो हो गई, ठीक है। ये रिवर्स यानी कि अपोजिट रहेगा, इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसका उपयोग कंप्लीमेंटेशन करने में किया जाता है, जीरो को वन तथा वन को जीरो में बदलने के लिए। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा चाहे आप कौन सा गेट यूज कर लो, इनपुट अनेक हो सकते हैं, लेकिन इन जो नॉट गेट होगा आपका उसमें ओनली एक इनपुट होगा, ठीक है। इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया आपका, इन्वर्टर गेट किस गेट को कहते हैं और यूनिवर्सल गेट कौन कौन से गेट को कहते हैं। और गेट क्या होता है, और गेट जो कम्बिनेशन का काम करता है यानी कि जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जो दो इनपुट देंगे हमारे को मिलेगा क्या, एक आउटपुट। बोलने सूत्र जैसे कि वाई प्लस में ए प्लस बी आपका मिल जाएगा। जैसे जीरो प्लस जीरो दी हमने जीरो प्राप्त हुई, जीरो प्लस वन दिया वन दे दिया, वन प्लस जीरो दे दी वन हो गया, वन प्लस वन देंगे तब भी हमारे को वन ही मिलेगा। ये एडिशन का काम करेगा आपका और गेट, इसे पैरेलल गेट भी कहते हैं। इसमें एक ही इनपुट, एक इनपुट आई रहने पर आउटपुट आई मिलेगा, और सिर्फ सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट लो मिलेगा। यानी दोनों लो इनपुट दे दी तो लो मिलेगा, यदि दोनों आई इनपुट दे दी तो भी आई इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमारे को। एंड गेट क्या आता है, एंड गेट मल्टीप्लाई का काम करता है आपका, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। जीरो दे दी तो जीरो हो गया, जीरो वन दे दिया तो भी जीरो मिलेगा, वन जीरो दे दी तो भी जीरो मिलेगा, यदि वन वन देंगे तब आपको वन हाई मिलेगा। इसे सीरीज गेट कहते हैं, और गेट को हम पैरेलल गेट कहते थे और एंड गेट को सीरीज गेट कहते हैं। इसमें दोनों इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई मिलता है आपको, एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट हाई लो ही होगा आपका। यदि आपने एक भी इनपुट लो दे दी तो आपने जो आउटपुट मिलेगी वो भी लो मिलेगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का काम करता है आपका, मल्टीप्लीकेशन। और गेट एडिशन का काम करता है, और नॉट गेट रिवर्स होता है आपका, रिवर्स। जो ये आपकी टेबल थी, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होते हैं, जो आपका नैंड गेट किससे मिला था, और जो आपका नैंड गेट था एंड और नॉट गेट के मिलने से आपका क्या बना था, नैंड गेट। पहले जैसे कि नैंड हो गया, ये हो गया, और नॉट प्लस एंड के मिलने से क्या हो गया, पहले तो ये आपका आ गया नॉट वो और गेट, फिर आपके अगर ले लिया आपका नॉट गेट और गेट एंड तथा नॉट गेट, ये आपका एंड गेट है, यहाँ पर एंड गेट ले लिया, फिर आपका कहते हैं नैंड नॉट गेट, यहाँ पर नॉट गेट लिया, तब ये आपका कॉम्बिनेशन से बन गया आपका नैंड गेट। इसका सूत्र होता है y इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई में बी। यदि आपने जीरो वन दी तो वन मिलेगा, जीरो वन दिया तो वन मिलेगा, वन जीरो दी तो वन मिलेगा, वन वन दे दी जीरो। ये जो आपकी अपोजिट टेबल रहेगी, जो एंड गेट है, एंड गेट की जो टेबल है और नैंड गेट की टेबल, जो दोनों के अपोजिट रही, यहाँ पे जीरो 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 तीन चल रही है, और नैंड गेट में कहाँ क्या चल गया, इधर वन वन वन, और ये इधर आके क्या बन जाएगा जीरो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट टेबल रहेगी इनमें। इसमें एक
एक या सभी इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा आपको, सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट लो मिलता है आपको। नॉर गेट किसके कम्बिनेशन से मिला आपका, और प्लस नॉट गेट के, और प्लस नॉट गेट से आपका क्या बना नॉर गेट। पहले जैसे कि ये पूरा कंप्लीट है, ये हमने क्या ले लिया आपका और गेट प्लस नॉट गेट लिया गया, नॉर गेट प्लस नॉट लिया, नॉट लिया, ये आपका पूरा कंप्लीट है। इसकी जो टेबल क्या जीरो वन वन हो गया और जीरो 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 वन रहेगा, और सारी आपकी जीरो वन होगी तो भी जीरो मिलेगा, वन जीरो होगी तो भी जीरो मिलेगा, वन वन होगी तो भी जीरो मिलेगी। इसमें एक से भी या सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई नहीं मिलता, सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा। बुलियन सूत्र क्या आता है इसका, इससे अगला का आता है जैसे कि सर्किट डायग्राम ये है, सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई नहीं मिलता, सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट लो नहीं मिलता। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट, ठीक है, एक्सोर गेट का ये सिंबल होता है एक्सोर गेट का, ये है इनपुट में जो टेबल क्या रहेगी आपकी, जीरो वन से जीरो मिलेगी, वन जीरो वन से वन मिलेगा, वन जीरो से वन मिलेगा, वन वन से जीरो मिलेगी। इन दोनों इनपुट समान जीरो जीरो वन वन रहने पर आउटपुट लो मिलता है आपको। दो इनपुट अलग अलग हैं, जीरो वन वन जीरो रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा आपको। इससे अगला आपका एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट क्या होता है आपका, जैसे जीरो जीरो दीदी वन हो गया, वन जीरो जीरो हो गया, वन जीरो जीरो हो गया, वन 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 मिलेगा। इसमें दोनों इनपुट समान रहने पर आउटपुट हाई मिलता है, यानी कि दोनों इनपुट आपकी समान रहेंगी तो इनपुट क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा। जैसे जीरो जीरो दे दी, इनपुट लो है, हाई मिल गया आपको, ठीक है। और इसमें ए इनपुट्स असमान रहने पर आउटपुट लो मिलता है, यानी कि दीदी इनपुट अलग अलग, जैसे इधर जीरो दे दी, इधर वन दे दी, आपको हाई में क्या मिला, जीरो लो मिल गया। इधर वन दे या फिर जीरो दे दी, फिर भी आपको लो मिला। यदि दोनों हाई दोगे तब भी आपको हाई मिलेगा, यदि आप दोनों लो दोगे तब भी आपको हाई मिलेगा। यदि इनपुट अलग अलग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। नॉट गेट या नॉर गेट का उपयोग करके एक करके अन्य सभी गेट बनाया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट किसी किस कहा जाता है, नैंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अन्य गेट बनाने के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट का उपयोग किए जाते हैं। गेट का नेम है नंबर ऑफ नैंड गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट, कितने यूज होंगे आपके। और एंड नैंड नॉर एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक्सोर गेट एक्सनोर गेट में एक से अधिक इनपुट हो सकता है, केवल नॉट गेट में एक ही इनपुट होगा। ये याद रखना, किस गेट में केवल एक इनपुट होता है वो होता है नॉट गेट में, इसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। डेमोग्राम थ्योरम ही हो, डेमोस डेमोग्राम की थ्योरम थी ये आपकी, ये कंप्लीट आपको याद होने चीज के रूल। ए प्लस जीरो आपका ए मिलेगा आपको, ए प्लस वन हो तो वन मिलेगा आपको, ए मल्टीप्लाई में जीरो तो जीरो मिलेगा, ए मल्टीप्लाई में वन हो तो वन मिलेगा, ए मिलेगा, ए मल्टीप्लाई में ए तो भी ए मिलेगा आपको, ए प्लस ए है तो ए मिलेगा, ए प्लस ए का बार है तो वन मिलेगा, ए मल्टीप्लाई में ए का बार है तो जीरो मिलेगी, ए का डबल बार है तो इक्वल ए मिलेगा। टेंस ये रूल है सभी इसके, बुलियन इसके डायग्राम के थ्योरम के आपके, ए प्लस ए बी ए मिलेगा आपको, ए प्लस ए बी इक्वल क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। आगे आपकी बिट होती है चार बाय चार बिट बराबर होती है एक निपल, एट बिट आपकी क्या होती है, ए वन बाइट इक्वल टू टू निपल, 1024 बाइट आपकी 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB, 1024 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर होगी, 1024 KB 1 MB यानी कि MB के, 1024 MB किसके बराबर होगी, 1 GB के, 1 GB के, 1024 GB किसके बराबर होगी, 1 TB यानी कि TB। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का आउटपुट केवल प्रेजेंट इनपुट पर निर्भर करता है। जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है उसका आउटपुट किस पर निर्भर करेगा, आपके इनपुट पे। नेम ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, बेसिक गेट होते हैं, इनकोडर होता है, डिकोडर होता है, हाफ एडर होता है, फुल एडर होता है, अब्सट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीप मल्टीप्लेक्सर और पैरेलल एडर। ये होते हैं आपके टेबल हैं, जैसे कि हाफ एडर दो ए वन वन बिट संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रूफ किया जाने वाला लॉजिक पेपर है।
हाफ एडर एक एक्सोर और एक नैंड गेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसमें एडिशनल का आउटपुट एक्सोर गेट तथा कैरी एंड गेट से प्राप्त होता है। हाफ एडर में जब सिर्फ बोथ इनपुट में वन रहता है तो कैरी वन आता है। जब दोनों इनपुट समान हो तो सुमेशन आउटपुट जीरो और दोनों इनपुट असमान हो तो सुमेशन क्या हुआ आउटपुट वन होता है। इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। फुल एडर में क्या होता है, फुल एडर का एक डायग्राम होता है आपका, तीन इनपुट आगे आउटपुट में आपको दो मिल रहे हैं, एक कैरी का आउटपुट एक आपको मिल रहा है। या तीन बिट इनपुट को ऐड करता है और इसमें तीन इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। जब आपका चैप्टर टू कंप्लीट हो चुका, चैप्टर थ्री है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में क्या होता है आपकी जो बताई मैंने, बाइनरी सिस्टम होगा, ठीक है। बाइनरी में केवल दो ही डिजिट होंगी, जीरो और वन। एक ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर में एट डिजिट होगी जो जीरो से स्टार्ट होगी और सेवन पे खत्म होगी, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। यहाँ तक आपकी क्या चलेगा, ऑक्टल। फिर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या पद्धति, जिसको टेन कहते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होगा और नाइन पे खत्म होगा, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये नाइन तक आपकी टेन डिजिट होगी। हेक्साडेसिमल क्या होता है, 16 डिजिट का होता है जो जीरो से स्टार्ट होगा और एफ पे खत्म होगा। नाइन तक तो आपकी ये चलेंगी, उसके बाद जो दसवें पे ले गया वो ए आएगा, ग्यारहवें बी आएगा, तेरह पे सी आएगा, चौदह डी, फिर पंद्रह ई, फिर सोलह। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टेन टेन पे ए, इलेवन पे बी, थर्टीन ट्वेल्व पे सी, थर्टीन पे डी, फोर्टीन पे ई, फिफ्टीन पे एफ, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल डिजिट स्टार्ट होती है। बाइनरी क्या होता है, जो बाइनरी होता है 0101 का, उसका स्क्वायर को डेसिमल में बदलेंगे तो ये मल्टीप्लाई पे आपका काम करेगा। जैसे मल्टीप्लाई दिखा रखी है आपकी, इसमें आपका मल्टीप्लाई पे काम करता है सारे डिजिट, दशमलव पद्धति में यूज होती है ये। इसके बाद दशमलव पद्धति है आपका एक डेसिमल नंबर सीरीज है। डेसिमल में क्या होगा, जो सीरीज दशमलव पद्धति में डेसिमल में सिस्टम हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई सीरीज 105 की, इसको उसमें जैसे दो से डिवाइड करेंगे और कैरी इधर लेते जाएंगे। जैसे डबल फाइव टू का डबल क्या होता है, 104 होता है, यानी कि एक फालतू तो एक कैरी हमने इधर ले, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है जीरो आ गया, पूरा पूरा डिवाइड होता है जीरो। यदि ज़्यादा एक अक्सर बैठ रहा था आपको, वो कैरी वन मिलेगा आपको। ये लोएस्ट सिस्टम बैंड होता है, यानी कि लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और एम एस बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ तक अंत तक जैसे कि दो का डबल, जैसे एक वन हमारे को आखिरी में वन मिल रहा है, तो हम इधर से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी ऊपर से नीचे तक। ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम ये है, इसको डेसिमल में बदलना है, तो हमने ये डेसिमल में इस प्रकार बदल लेंगे हम। आगे आपका हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो ए बी सी जो हेक्साडेसिमल होती है, ए होता है जैसे 10 पे होता है, बी 11 पे होता है, सी 13 पे होता है, 12 पे सी होता है आपका, ठीक है। इधर से 16 का स्क्वायर 256, इधर 1 का स्क्वायर 16 हो गया, इधर 0 का स्क्वायर हो गया आपका, यानी ए बी सी 16 का स्क्वायर आपका 256 का स्क्वायर 256 प्लस 176 प्लस में आपका 12, ये टोटल हो गया आपका। कन्वर्ट करने के हिसाब से आपके ऐसे आएंगे। इसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल में नंबर करना हो तो आपने बाइनरी टू ऑक्टल में आप इस प्रकार करते हैं, बाइनरी के मतलब ऑक्टल संख्या क्या होगा, ठीक। तो इसके कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि ऑक्टल नंबर से बाइनरी सिस्टम में ऑक्टल से बाइनरी बनाने के लिए ऑक्टल के प्रत्येक डिजिट के लिए उसका समतुल्य लेना पड़ता है आपको, यानी कि 5 पे क्या होता है 101 होगा आपका, 7 पे क्या होता है 0 पे 000 होती है, 7 पे 111 होता है आपका, और 2 पे क्या होता है 0120 होता है, 3 पे क्या होता है 011। तो इसी तरह आपकी पूरी संख्या तैयार होगी आपकी, जो ऑक्टल से किसमें बन गई आपकी बाइनरी में। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका बाइनरी सिस्टम होता है। जैसे चार चार की डिजिट ली जाएगी हेक्साडेसिमल में, चार ली हमने ये 3 बन गया आपका, अगली चार डिजिट ली हमने 5 बन गया, इससे अगली चार डिजिट ली हमने
लगातार चार डिजिट ली, इधर 15 हो गया, इधर से अगली 0 0 लेने पड़ी, चार डिजिट ही 4 हो गया, यानी कि एफ होगा 15। तो हम क्या लेते हैं, एफ, ये एफ बन गया इधर। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दिखा रहा क्या आपको, ये इसके बाद आपको ये कि टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कंप्लीट, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, बीसीडी, ठीक है। जैसे डेसिमल जीरो है, हेक्साडेसिमल जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6, जैसे कि ट्रिपल, 4 0 पे 0 हो गया, इस पे 1 हो गया, इस पे 2 ऐसे बनेगा, 3 ऐसे बनेगा, 4 ऐसे बनेगा, 5th इधर आ गया, 6th ऐसे, 7th होगा, 7th ट्रिपल 1 होगा, 0 ट्रिपल 1, 7th 1 ट्रिपल 0, 11 1 0 0 1, 12 ऐसे आएगा, 1 0 1 0, 13 1 0 1 1, 14 1 1 0, 15 1 0 1, 16 0 0, 1 1 0, और 17 4 1, 1 1 फिर 1। द्विगारी संख्या पद्धति में प्रयोग किया जाता 0, द्विगारी संख्या पद्धति में केवल 2 अंक का प्रयोग किया जाता 0 और 1 का। 1 और 0 और 1 के उपयोग करके सभी अंक बनाया जा सकता है। द्विगारी संख्या पद्धति में केवल 2 स्थिति होती है, स्टेट होते 1 होगा और ऑफ 0 होगा। द्विगारी संख्या ग्राफ में 2 स्थिति दर्शा जाता, ऑन और ऑफ, कंटिन्यूस और सिंगल वेव नहीं होता, ठीक है। ये आपका है, ये लेसन भी आपका कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन्स के 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए, आपकी इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड जितनी थ्योरी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो हमने थ्योरी कर ली है उन सभी चैप्टरों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।